नमस्कार, कांटल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम देश की पहली महिला एमबीए सरपंच के साथ में बात कर जानना चाहेंगे किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है। तो सबसे पहले आपका कांटल की आवाज डिजिटल मंच पर स्वागत है। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम छवि राजावत है और मैं जयपुर के पास, मेरा गाँव है टोंक जिले में, गाँव का नाम है सोडा, वहाँ पे मैं सरपंच रह चुकी हूँ 2010 से और दो टर्म मैंने कर लिए हैं और अभी भी मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ। खास मेरा फोकस है युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ में जी काम करना पसंद है और उसी पे मैं काम कर रही हूँ। तो जिस तरह से आप महिला होकर और सरपंच बनी है वो तो एक प्रेरणादायक है ही, पर आपने एमबीए किया हुआ है, एमबीए किए करने के बाद में आपने जो ये सरपंच वाला पद चुना है, इस लाइन आई, इसके पीछे क्या कोई उद्देश्य रहा है? देखिए, मुझे लगता है एक सपना शायद हम सभी का है, आपका भी, मेरा भी, जो युवा कैमरे के पीछे हैं शायद इनका भी, कि हम हमारे देश को एक विकसित देश, एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे देखना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ मैं भले ही कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम किया है, बॉम्बे दिल्ली में बड़ी कंपनियों के साथ मैंने काम किया हुआ है और खुद का ही मेरा एक छोटा बिजनेस हुआ करता था सरपंच बनने से पहले। मैंने सरपंच बनने का जो सपना था, मेरा खुद का नहीं था, मेरे ग्रामवासियों का सपना था और उन्होंने ही मुझे सरपंच बनाने के लिए प्रेरित किया, मेरे पीछे पड़े। और 2010 में मैंने, हाँ इसलिए भरी क्योंकि 2009 में हमारे यहाँ पे बहुत ही गंभीर अकाल घोषित हो चुका था और मैंने यही पर देखा था कि सरकार की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं और पंचायती राज के तहत काफ़ी फंड्स और योजनाएं हैं जिससे हमारे गांव विकसित हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे गांव विकसित नहीं हुए। मैंने यही देखा कि बचपन से लेकर मैं मेरे गांव से जुड़ी हुई हूँ, पर हमारा गांव और क्षेत्र में जिस प्रकार का विकास दिखना चाहिए था जब से पंचायत राज शुरू हुआ वो नहीं दिख पाया था। तो मुझे लगा कि हम जैसे लोग, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या कुछ जानकारी रखते हैं, कुछ अवेयरनेस जो है, हमें आगे आना है और जब तक हम आगे आके नहीं जुड़ेंगे सरकार के साथ, हमारे ग्रामवासियों के साथ, तब तक जो विकास हम देखना चाहते हैं हमारे देश में वो सही प्रकार से नहीं देख पाएंगे। तो इसी सपने के साथ कि सिर्फ मैं ही नहीं मेरे गांव में बदलाव लेकर हूँ, लेकिन मेरे जैसे और लोग भी मोटिवेट हो और अपने अपने गांव में जिस भी प्रकार से हो सके जुड़े, जिससे कि हम हमारे देश को आगे ले जा सकें। तो आपके एमबीए होने का जो आपका जो ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, कहाँ से सरपंच आप? सोडा। सोडा, उस पंचायत में क्या कुछ लोगों का फायदा हुआ है आपके एमबीए होने से? बहुत फायदा हुआ है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी आप हमारे गांव जाएं और ग्रामवासियों से बात करें। सबसे पहले तो हमने हमारे जो गांव में तालाब थे उनको खोदा, जिससे कि बड़ी तालाब में हम जल संरक्षण कर सकें, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी समस्या थी पानी उपलब्ध नहीं होना। अकाल इतना गंभीर था कि हमारे पशु मर रहे थे क्योंकि पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं था और चारा नहीं था। साथ में हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो खेती से तब के लिए दूषित ठहराया गया है और उसमें खाद भी बहुत है जिससे खेती के लिए, सिंचाई के लिए उसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्राथमिकता हमारी ये रही कि हम कैसे ग्रामवासियों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करवाएं और उसमें हमने काम किया। साथ में जो स्कीम्स हैं उनके तहत सड़कों को जोड़ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने काम किया और हमें बड़ी खुशी है कहते हुए कि जो डिजिटल इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश देख पाया है, जो लास्ट माइल तक यानी कि गांव तक पहुंच पाया है, वो उन्हीं के विजन की वजह से, उन्हीं के श्रम की वजह से हो पाया और उसका फायदा हम अच्छे से उठा पाए। क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से भी बहुत स्कीम्स हैं लेकिन जो कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की अगर हम बात करें, एजुकेशन किसानों के साथ, तो एक जो अवेयरनेस है, एक मेरा ये मानना है कि एक अकेला व्यक्ति नहीं लेके आ सकता, उसमें कोलैबोरेशन की जरूरत है, टीम वर्क की जरूरत है। तो सरकार ने जो भी स्कीम्स थी वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि डिजिटली उससे पहले जैसे 2010 में मैं इलेक्ट हुई थी तो वो डिजिटल कनेक्शन हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन हमें मिल नहीं पा रहा था। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे गांव में बाद में आई और उसी से इतना फ़ायदा हुआ कि हमारा काम करने में जो सहयोग मिला और जो हम आसानी से पहले कर पाए, उससे लाभ सिर्फ मेरे लिए काम आसानी हुआ लेकिन हमारे ग्रामवासियों को भी
हमारी युवा पीढ़ी जो डिजिटल को अच्छे से समझती है वो मेरे चैंपियंस थे, मेरी असली टीम वो थे कि उन्होंने हर घर जाके इस चीज के बारे में लोगों को बताया कितने फंड्स आ रहे हैं, किस प्रकार से पंचायत के द्वारा वो फंड्स यूटिलाइज होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, सरकार की तरफ से क्या क्या स्कीम्स हैं जिनका लाभ वो उठा सके, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम ही क्यों नहीं है, बैंक खुलवाना, खाते खुलवाना, समझना कि उनको कैसे उसका इस्तेमाल हो सकता है, किसानों के लिए सारी स्कीम्स हैं, बच्चियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो हर चीज़ के बारे में हमने वो इन्फॉर्मेशन हमारे ग्राम में ग्रामवासियों तक पहुँचाई है। जो भी लोग हम काम कर पाए यहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं पर एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, किसानों के उत्पाद बढ़ाने का, पशुओं का दूध का जो है और उसको बढ़ाने के लिए हर चीज हर सेक्टर में हमने काम किया, उसका फायदा हम हमारे ग्रामवासियों तक पहुँचाएंगे। तो जिस तरह से आपने एमबीए और सरपंच वाला जो आपका है तो इसको लेकर आपको अवार्ड भी मिला, जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, तो क्या कुछ अवार्ड आप इस बारे में बताए ताकि मतलब कौन सा अवार्ड अभी तक मिला है? अवार्ड तो अनेक मिले हैं, हर साल मुझे अनेक अवार्ड मिले हैं। सबसे बड़ा अवार्ड? सबसे बड़े अवार्ड में मेरे लिए जो है, मैं तीन अवार्ड्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी, मेरी रामनाथ कोविंद जी, दोनों से मुझे फेलिसिटेशन मिला है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, और साथ में हमें जो मेरे लिए खास मुझे लग रहा है एक अवार्ड हमें मिला था छठ दूरदर्शन की तरफ से था, जो हमारे माता के लिए और खास था माता पिता के लिए, और खास उन्होंने ये पुरस्कार दिया था हम सब महिलाओं ने जिनको कुछ अलग से किया है उनकी मदर्स को, और ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति का संस्कार की बात करें या उनके भविष्य की बात करें तो इन लोगों को माता पिता होते हैं। और तो क्योंकि आप एक महिला एनडीए सरपंच हैं, इतना आपने एक नया और नवाचार किया है देश के अंदर, एनडीए होने के बावजूद आप एक सरपंच हैं, तो इसको लेकर आपको क्या कुछ अवार्ड मिला है आज तक? जी, अनेक अवार्ड्स मिले हैं मुझे, हर साल अवार्ड्स मिले, पर मेरे लिए महत्वपूर्ण जो अवार्ड रहे हैं वो राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं, जो मुझे श्री रामनाथ कोविंद जी की तरफ से मिला और ए पी जे अब्दुल कलाम की तरफ से भी मुझे फेलिसिटेशन मिला था, और साथ में एक खास पुरस्कार जो मेरी माता जी के लिए था वो भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि माँ ही है जो एक मेन गुरु होती है, माता पिता होते हैं, और माँ ही है जो एक बच्चे की या एक व्यक्ति की सही परवरिश में जो मूल रूप से योगदान देती है, तो ये मेरे लिए खास पुरस्कार। मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से आप एक महिला होकर काम कर रही है, तो अभी आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है भाजपा की तरफ से? भाजपा की तरफ से अभी मैं मेरा जो सरपंच का रोल रहा है और पंचायती राज से काफ़ी लगाव है, पैशनेट हूँ मैं इस कार्य में, तो मुझे पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज प्रदेश प्रकोष्ठ में सह निरीक्षक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है, और खास निश्चित तौर पर आई हूँ क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस के लिए हमारे महिला मोर्चा और महिलाओं को हम कैसे जागरूक करें और युवा और बच्चों की जो स्कीम्स हैं जिसकी भी जागरूकता हम लाना चाहते हैं, इससे बड़ी तादाद में लोग जुड़े और कम्युनिटी ग्रुप को वोटते हैं, और लोकसभा में हम यही चाहते हैं कि हमारी 100% बीजेपी की जीत हो, जिससे कि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, सीओ जी की तरफ से जो योगदान अपने क्षेत्र में अपने राज्य को मिला है वो बरकरार रहे और गति बढ़ाए, और उसके लिए जरूरी है कि लोग एकजुट हों और एकजुट होकर कमल के फूल को वोट दे रहे हैं। जिस तरह आप अभी चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में है, तो हमारे जो प्रतापगढ़ से हूँ मैं, प्रतापगढ़ का एरिया भी चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ पर अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं में जैसे अवेयरनेस तो काफी आ चुकी है, परंतु जब आप फील्ड में जाती है तो आपको महिलाओं के प्रति क्या कुछ ऐसा लगता है कि उन्हें और कुछ जरूरत है? मुझे लगता है कि मेन तो है जागरूकता, जो योजनाएं हैं सरकार की वो इन्फॉर्मेशन तक पहुँचनी चाहिए, और आप जैसे लोग हैं वो बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं इसमें, जहाँ पे आप जहाँ भी नहीं प्रदर्शनों युवाओं बच्चों को, क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स हैं, स्पोर्ट्स की स्कीम्स आप देखते हैं या स्टार्टअप्स की हो, एंटरप्रेन्योरशिप की हो, खासकर यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए जो है, किसानों की इतनी सारी स्कीम्स हैं,
सोशल वेलफेयर की जो अपने बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जितना हो सके जितना हम लोगों में जागरूकता फैलाएँ, तो सरकार अपनी तरफ से सब कर रही है। गैस के बारे में, गैस सिलेंडर के बारे में सब जानते हैं, महिलाएँ जो बेसिक स्कीम्स हैं डाकघर में भी हम ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देखें वो उनसे वाकिफ है, लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको बताना जरूरी है जिससे वो बड़ा सही प्रकार से लाभ ले सके, उनका उपयोग ले सके। तो इसमें हर कड़ी हर व्यक्ति एक बड़ा रोल प्ले करता है और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे श्रेता को जो ये देख रहे हैं कि आप वो जागरूकता बनाएं नमो ऐप के द्वारा, उसमें सारी स्कीम्स जो भी हो रहा है आगे जो होने को हो रहा है या प्लानिंग है वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ उपलब्ध है। रही बात महिलाओं और बच्चों की तो सुरक्षा के लिए भी इतने सारे ऐप्स हैं, 112 इंडिया ऐप है खास सुरक्षा के लिए, और खुशी है मुझे ये सुन के और मैं लोगों से मिलती हूँ, युवा भी खुश हैं क्योंकि पेपर लीक के बारे में फाइनली कुछ हो रहा है, स्पेशल सेल बीजेपी के द्वारा बीजेपी के नेतृत्व में बन पाया है, जिससे कि जिन लोगों ने युवाओं जिन्होंने इतना परिश्रम किया और इसके बाद जो वंचित रह गए तो उनको जो जिन्होंने अपराध किया उनको सजा मिल रही है, वो सब सामने आ रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को ऑलरेडी पता है, और ज़रूरी है कि आगे अगर हमें अपने राज्य को बनाना है तो हम सबको मिल के कमल के फूल को वोट देना है और बीजेपी को 100% जीत लेंगे हमें दिलवाना है। मेरा एक लास्ट सवाल है कि जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 बार, और जिस तरह से हैट्रिक इस बार अगर मोदी सरकार आती है तो भाजपा की ये हैट्रिक होगी, इस स्थिति में यदि आप अभी फील्ड में काम कर रही है तो कुछ तो आपको महिलाओं की समस्याएं सामने आएगी, सरकार बनती है तो उन समस्याओं को आगे सरकार तक पहुँचाने के लिए आप क्या कुछ सोचती है, किस तरह से आप काम कर पाएंगे? अगर कहीं कोई गैप्स हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि जिसके बारे में पॉलिसी लेवल में इंटरवेंशन होना चाहिए, तो वो मेरा मोर्चा हम पंचायती राज के तहत जो कर रहे हैं और छोटी अलग अलग मंडल हैं अलग अलग जो सेल्स बने हुए हैं उनका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों से मिलकर उनकी जो समस्याएँ हैं वो हम आगे हमारे जो नेता हैं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक हम पहुँचाएँ, वो मिलकर ही काम होता है। सिर्फ एक व्यक्ति से काम नहीं हो सकता, उसके लिए पूरी टीम की जरूरत है, और वो पूरी टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से गठित की गई है बीजेपी द्वारा, और इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, और वो पूरा फीडबैक जो हम हमें लगता है कि मिलना चाहिए है वो हम आगे ऊपर हमारे जो लीडर्स हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने पैटर्न की आवाज़ निकली तो समझ लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप एक एमबीए सरपंच हैं, आपके द्वारा जो नवाचार किए जाए उससे महिलाओं को लाभ मिले, खासकर जो युवतियां हैं उन्हें लाभ मिले, और भी खास सब्जेक्ट जो खास महिलाओं के लिए भी आप देना चाहें तो आप बोल सकते हैं। खास महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए सबके लिए ये है कि महिला कभी भी कमज़ोर नहीं रही है, बस हाँ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, पर अब समय है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद बात करते हैं वुमेन लेड लीडरशिप के बारे में, तो ये सब बात कर रहे हैं उस पर एक्चुअली काम हो रहा है और उसका लाभ सबको उठाना चाहिए है, और जो भी योजनाएं आई हैं चाहे वो लगभग दीदी हो ड्रोन दीदी हो इस प्रकार की बहुत अनेक योजना है उसका आप फायदा उठाइएगा, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नमो ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा, और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि नमो ऐप के तहत आप खुद फीडबैक दे सकते हैं जो नरेंद्र मोदी जी तक डायरेक्ट पहुँचेगा उस ऐप के तहत, तो ये एक मैसेज मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं हूँ लेकिन सबके लिए मैं देना चाहूँगी, क्योंकि हम मिलकर ही हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, वो विकसित भारत जो हम सब देखना चाहते हैं, जो हम सबका सपना है जिससे हम सबको फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो हम शहर में रह रहे हों या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, हम सबको वो बेनिफिट मिलेंगे, तो जितना हो सके आप खुद अगर ऑलरेडी बीजेपी से जुड़े हैं दूसरों को भी आप बताइएगा और उनको भी जोड़िएगा और कमल के फूल को वोट दे के जताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज राठौर।